أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. भाईजान ने तुझे एक को ठोकने का बोला था, तूने इसको क्यों ठोका? आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता, चले। जीना है तो खुल के जियो, ये दुनिया बड़ी जालिम है, जीने नहीं देगी। आओ मेरे बच्चों आओ, मुझे उम्मीद है तुम दोनों ने मेरा काम पूरा कर दिया होगा। जी भाई हो गया। सल्लो, तुझे एक को मारने का बोला था, तूने दूसरे को क्यों मारा? हा? भाई आपको कैसे पता लग जाता है सब? शैतान को सब पता होता है। मुन्ना बच्चों के लिए चाय का बोल। सुन, बिस्किट का भी बोल। तू क्या देख रहा है, चाय का बोल। हाँ भाईजान, किसकी धुलाई चल रही है? हट हट। सलावा मुन्नी बदनाम हो रही है और यह जिंदगी हराम हो रही है, चिल्ला रहे तो मार दो ना। यह ऑर्डर है, ये करता क्या है भाई? ये कुछ भी करता है, इसको मारना नहीं है, सिर्फ लूटना इसको। हाँ भाई हो जाएगा, नहीं मारेगा। भाई अपना बबली भी शायद बनना चाहता है। बबली बबली, तुझे इश्क ने कर दिया निकम्मा। मूंगफली में छिलका, जिंदगी में लौंडिया ना होती तो कितना सुकून होता रे। हाँ वाह क्या बात है, एकदम जबरदस्त काम है।
भाई कैसे हो भाई? सल्लू सल्लू बबले है सल्लू, तुझे उसको मारने का मना किया था, फिर क्यों मारा रे उसको? हाँ भाई, आपको कैसे पता लग जाता है ये सब? बच्चे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। मैं तब से हरामी हूँ जब से तो अपनी माँ के नहीं अपने बाप के अंदर था, समझा? सुबह सुबह कहाँ लेकर जाता है? लौंडिया के पास। हाँ भाई। जी भाई, हो जाएगा भाई। हाँ अभी जा रहे हैं भाई। हाँ हाँ अभी जा रहे हैं भाई। अबे चूतिये, तेरा टाइम खत्म। मौत के फरिश्ते आ गए, अपने कफन दफन का इंतजाम कर ले। कौन है बे तू? इन खिलौनों से मुझे मत डरा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, छू कर गई है। हॉस्पिटल जा, पट्टी करवा। मैं इसको भी साथ भेज देता मगर मरेगा ये। तू जा और दवा लेकर आ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। मैंने तो आपको मारा, पर आपने मुझे क्यों बचाया? एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना है, और एक इंसान की जान लेना सारी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। क्या नहीं करते हम लोगों को कोशिश करने के लिए? जो कुर्बानी अल्लाह के लिए थी वो हम लोगों को कोशिश करने में लगा देते हैं। दुनिया में एक रिश्ता सच्चा है, बाकी सब झूठे और खोखले हैं। कितनी अफसोस की बात है, जो मोहब्बत हमें अल्लाह से करनी थी वो हम लोगों से करने में लगा देते हैं, और यहाँ तक कि मर जाते हैं। मगर जो लोग ईमान वाले हैं वो शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं, चाहे उनके पास कुछ भी चला जाए वो लोग उदास नहीं होते, रोते नहीं हैं, बल्कि सब्र करते हैं, मदद तलब करते हैं, और वही लोग कामयाब हैं। आप लोग भी मुझे साफ दिल के लोग लगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा ज़रूर। रुको, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो
मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जो चीज़ मैं दुनिया की हर जगह तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था, खोज रहा था, वो आज नमाज पढ़ते हुए महसूस हुई। वो क्या थी? सल्लू भाई, वो था सुकून जो अल्लाह के आगे झुकने से ही मिलता है, और बेशक सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। एक बात बताया, ये भाईजान सल्लू और बबली को इतना बड़ा बना के क्यों रखते हैं? अबे चूतिए, बच्चे हैं वो भाई के। बच्चे? भाईजान की तो शादी नहीं हुई। सड़क पे मिले थे भाईजान को, सड़क से उठा लिया और पाल लिया, और उन जैसा काम भी तो नहीं कर सकता कोई। अपने मुन्ने भाई किसी से कम है क्या? एक हाथ किसी को मार दिया, दोबारा उठे? बस एक मौका अगर मुझे और मिल जाए ना भाईजान के हाथ के नीचे, फिर मैं ही काम करूं। ये सल्लू और बबली क्या है? मेरे आगे के बच्चे हैं। लो आ गए बच्चे भाईजान के। अकेला आया है क्या? हाँ भाई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कमाल है, भाईजान के उजरे में तो जिंदगियां बच जाती हैं। और वो है कि खैर छोड़, दवा ले जाइए उसके लिए। भाईजान, मैं ले जाऊं उसके लिए दवा? जब तक मुंह खोलने का नहीं बोलूं ना, तब तक मुंह मत खोला कर। इसको मारना है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बबले, तू जानता है बचपन में मेरा बाप मेरी माँ को बहुत मारता था। एक दिन मारते मारते उसने चाकू निकाल लिया। मैंने उसको हुई चाकू लेकर और उसकी गर्दन काट दी। पता है क्यों? क्योंकि उसने गलती की थी। तुम दोनों ये गलती मत करना। साले कहाँ गया था तू? पता है भाईजान क्या बोले थे? मस्करा क्यों रहा है? आज मैं वहां गया था जहां पहले कभी नहीं गया, और वो रास्ता मुझे अली भाई ने दिखाया। मैं आज मेरे भाई नमाज पढ़ने गया था, और जब मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज हुआ तो पता लगा कि हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है। और तूने और मैंने आज तक जो काम किया वो सब गलत था। अब जिस रास्ते पे मैं चल चुका हूँ वो रास्ता मुझे अल्लाह से जोड़ता है, और इस अल्लाह से जुड़े हुए रास्ते को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे अब कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे सामने आ जाए, मैं इस रास्ते को। Thank you.
मेरे जिस्म के खून का एक एक कतरा भाईजान का गुलाम है। मैं बोलूं तो बोल, मैं बोलूं तो सुन। भाईजान मैं समझाऊंगा इसको भाई, मैं समझाऊंगा इसको भाई, मैं समझाऊंगा सल्लू को। भाईजान मुझे पहले ही पता था, इनके खून में वफा नहीं बगावत है। क्या हो गया है तुझे? भाईजान से दुश्मनी करेगा क्या? तू क्यों नहीं समझ रहा है बबली? नहीं होगा अब मुझसे ये। और मसला ये नहीं कि भाईजान नहीं समझ रहे, मसला ये है कि तू नहीं समझ रहा है। ठीक है, तू नहीं करना चाहता काम मत कर, पर भाईजान के पास हम दोनों ऑर्डर लेने जाएंगे, लेकिन काम करने में अकेला जाऊंगा। इस दौरान तू अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएगा और मैं अपनी। वही कैसा है? बस दुआ है भाई आपकी। मैं सोच रहा था कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अच्छे काम करने वालों की तनख्वाहें बढ़ा देती है, तो सीनियर शूटर सल्लू पर लाख बंदे से पर बंदा 2 लाख रुपए। भाईजान इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं इसको मच्छर मारने के 50,000 रुपये देता हूँ, तुम तो बंदे मारते हो मुन्ना। इसको मारना है भाईजान। अच्छा आदमी लगता है ना? अच्छा तो है, हमारे लिए अपनी जान जो दे रहा है अच्छा तो है ना। चला बैठते। तुझे पता है बचपन में किसी ने गाली दी मुझे, मैंने बड़ा मारा उसको। एक बाबा सामने खड़े थे, उन्होंने सब देखा और कहा कि बेटा अब तू भी इससे माफी मांग। मैंने कहा बाबा गाली दी इसने मुझे, बाबा बोले इसने अपने की माफी मांग ली तो अपने किए की माफी मांग ले। उस वक्त मैंने माफी नहीं मांगी, लेकिन आज मांगता हूं। चल बोल बोल, तूने मुझे माफ किया? माफ किया। एक गलती है तुझ में, तू चाहता है कि लोग तुझसे डरें, हालांकि यह हक सिर्फ अल्लाह के पास है कि बंदा उससे डरे और वो खुश हो जाए। बंदा बंदे से डरे तो दुख होता है, गुस्सा आता है, उसके गुस्से से डर। ये रही तुम्हारी उजरत, मुझे बड़ी खुशी हुई तुमने गुनाह का रास्ता छोड़कर नेकी का रास्ता अपना लिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कामयाब करे, सदा खुश रहो।
भाईजान, मैं आज आपके लिए खास खबर लाया हूँ जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। क्यों, काम छोड़ा है क्या? भाईजान, वो बबली और सल्लू है ना, तो अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो भाईजान जान ले लेना मेरी। वो तो मैं लूंगा, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे, सुबह बखैर बच्चों, सुबह बखैर। इतने दिनों से तुम मिले नहीं, मैंने सोचा कि खुद ही आकर मिल लूं। काम हुआ? मारा उसको? जी भाई। पक्का? पक्का पक्का भाई। तो फिर ये चूतिया कौन है? ये कौन है? तुम दोनों ने नहीं मारा तो क्या हुआ? हम ही मार देते हैं। बबले, इसको ठिकाने लगा। ए, जाओ रे, इसके साथ जाओ। तू कितना खुद गर्ज है रे। बबले है कि तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, और तू है कि उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। तू जानता है मुझे जान लेने में कितना सुकून मिलता है, और अगर जान किसी अपने की हो तो। खैर, अब तू सोच ले, अपने सर पर टोपी देखना चाहता है या बबली के कंधे पर सर? ये बंदा है, इसको मारना है। अगर ये बचा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। कल तक काम हो जाना चाहिए, समझा? चल काम खत्म करते हैं। कौन सा काम? वही काम जिसके लिए भाईजान ने हमें पाला है। पागल हो गया तू? जो काम तू छोड़ चुका है वो काम दोबारा करेगा? तुझे साथ चलना है तो चल, वरना मैं जा रहा हूं अकेला। मैं नहीं जाने दूंगा। हाथ छोड़ बबली, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं जाएगा तू। छोड़ते बबली? नहीं जाएगा तू। छोड़ते बबली? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बबली, और तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बचपन में एक दीवार पर लिखा था कि इंसान को अपने बुरे अमालों की सजा इसी जिंदगी में मिलती है, और आज वो बात शिद्दत से याद आ रही है। चला आंसू साफ कर, अच्छे नहीं लगते आंसू तेरी आंखों में। लेकिन बस यार बबली, दुआ करियो कि आज मुझसे गोली ना चले।
मार सल्लू मार मार सल्लू मार गोली मार सल्लू। क्या हुआ भाई? कुलशेर बच गया। तू काम काम करता था ना, आज तेरे लिए काम है। क्या काम है भाई, हुकुम करो। जाके ठोक दे सल्लू को। तू यहां बैठ, मैं दवा लेकर आता हूं। हेलो, वो बबली मुना 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 पागल हो गया है। वो सल्लू को मारने के लिए निकला है। तू जा उसको रोक, वरना वो सल्लू को मार देगा। ये हमें चैन क्यों नहीं पड़ता? इस जहां में क्या एक ही शख्स था, सल्लू सल्लू सल्लू। बरसों पुरानी आज हसरत मेरी पूरी हो गई। किसने भेजा है तुझे? तुम मुझे तो मार दोगे पर भाईजान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ए, 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 क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों पागल हो गए हैं? पागल है तुम दोनों? पिस्तौल ए गन्ना को, गन्ना को, गन्ना दोनों गन्ना को, गन्ना को। सबको मार दिया, सबको मार दिया, सबको मार दिया। तू मुझे नहीं मार सकता, मैं शैतान हूं, शैतान।
तू जानता नहीं, यहाँ का सबसे बड़ा शैतान हूँ मैं, सबसे बड़ा। और तुझे दीनदार बनना है, हैं? ये जिंदगी मेरी दी हुई है, तू मेरा कुत्ता है, भौंक, उठ, मार मुझे, उठ, नहीं होगा तुझसे, मार दे वरना पछताएगा। तू तो सुधर गया है ना, नहीं होगा तुझसे। पता किसी जालिम को ना मारना मजलूम पर जुल्म है, और हमारे मजहब में इसकी कोई जगह नहीं है। आज तो मारूंगा मैं भाईजान, आज तो मारूंगा, मारूंगा मैं, मारूंगा। सल्लू, फजर की अज़ान हुई, नमाज के लिए चलना है।